नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार अमेटा और हम वापस आए हैं आज केस्टर के फील्ड पर। अरंडी में कुछ जो प्रारंभिक अवस्था में समस्याएं आती है उनसे अवगत कराएंगे और हमारे साथ में डॉक्टर रमेश कुमार चौधरी और बात करेंगे आपसे इस पे अरंडी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार हेमंत। किसान साथियों, अभी अरंडी को लगभग 60-50 दिन हो गई है बुआई को और अरंडी के अंदर जो इस अवस्था में सितंबर के थर्ड वीक में जो जनरली समस्या आती है वो रस चूसक कीड़ों की वजह से आ रही है। तो उसके जो प्रारंभिक लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो जो नई पत्तियां आ रही उनके ऊपर देखने को मिलेंगे कि वो सारी की सारी ऐसे मॉटलिंग हो रखी है या बैंड हो जाती है या कप बन जाता है और छोटी रह जाती है, पूरी तरह ग्रो नहीं हो पाती। तो ये देख पा रहे हैं, ये मेनली रस चूसक कीड़े जो होते हैं लीफ होपर और वाइट फ्लाई की वजह से आ रही है। इस साल अगस्त और सितंबर महीना सूखा रहने की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से इन कीटों का प्रभाव बढ़ा है। तो ये कीट इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं करते लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर ये आते हैं तो फसल को काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी कम करेंगे और जो ग्रोथ है उसको भी ये एकदम से चेक कर देंगे। ये आप देख रहे हो मेन शूट है, उसके ऊपर ज़्यादातर पत्तियां जो है वो डैमेज हो गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप मोनोक्रोटोफोस, जो मोनो नाम से आती है, मोनोक्रोटोफोस का स्प्रे कर सकते हो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। 500 लीटर पानी में 1 लीटर दवा घोल कर आप स्प्रे कर सकते हो खेत में। ये आप देख पा रहे हो तो पीछे की पत्ती के पीछे की साइड सफ़ेद सफ़ेद मच्छर उड़ते हुए दिखेंगे आपको और हरे रंग का जो कीड़ा दिखेगा आपको, छोटा सा मच्छर, हरा मच्छर और सफ़ेद मक्खी, इन दोनों की वजह से ये अवस्थाएं आती है। तो इसका समय पर उपचार करने से आपको लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।